हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेनू। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बच्चों में बाल सफ़ेद होने के क्या रीज़न है, बच्चों का डाइट कैसा होना चाहिए और बच्चों में जो सफ़ेद बाल हुए उसे कम करने के लिए कुछ होम रेमेडीज। इसलिए ये वीडियो आखिर तक बिना स्किप करे देखिए। बालों का जो काला रंग होता है वो बॉडी में प्रेजेंट मेलेनिन की वजह से होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेलेनिन प्रोडक्शन कम होता है और बाल धीरे धीरे सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन आजकल कम उम्र के बच्चे में भी बाल सफ़ेद होने का प्रमाण बढ़ गया है। छोटे बच्चों के सफ़ेद बाल देखकर माता पिता भी परेशान हो जाते हैं। बच्चों में सफ़ेद बाल होने के कई रीज़न हैं। बच्चों के सफ़ेद बाल उनकी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ये सफ़ेद बाल बच्चों में किसी न किसी डिफिशियंसी की वजह से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। तो माता पिता को इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है, ये देखना चाहिए और उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए ताकि बच्चों में बढ़ते सफ़ेद बालों को रोका जा सके। चलो तो हम देखते हैं बच्चों में सफ़ेद बाल होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। पहला और सबसे कॉमन रीज़न है जेनेटिक। अगर माता पिता, नाना नानी, दादा दादी किसी के भी बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो गए होंगे तो बच्चों में भी उम्र से पहले ही बाल सफ़ेद होने की चांसेस होते हैं। ये सभी जेनेटिकली बच्चों में अपने पेरेंट्स से आता है। दूसरा रीज़न है जंक फूड। बच्चों को बाहर का चॉकलेट, आइसक्रीम, फास्ट फूड, कैंडी ऐसी चीज़ें खाना बहुत पसंद है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और शुगर ज़्यादा होती है, जैसे मेलेनिन प्रोडक्शन में डिफ़िकल्टी होती है और इस वजह से बाल सफ़ेद होने के चांसेस बढ़ते हैं। जो बच्चे वेज खाते हैं उनमें विटामिन B12 डिफिशियंसी ज़्यादा देखी जाती है। चौथा रीज़न है केमिकल प्रोडक्ट। मार्केट में मिलने वाले शैम्पू और कंडीशनर में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और इस केमिकल की वजह से बाल रूखे, बेजान और कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के बालों को हमेशा घी से या तेल से मसाज करो और हर्बल बेबी शैम्पू का ही यूज़ करो। पांचवा रीज़न है पोल्यूशन और स्मोक। ज़्यादा पोल्यूशन का एरिया या घर में कोई स्मोकिंग करता है तो पैसिव स्मोक की वजह से बच्चों में एंटी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाता है और इससे बाल सफ़ेद होने के चांसेस बढ़ते हैं। सब रीज़न के अलावा ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से भी बाल सफ़ेद होते हैं और स्ट्रेस। सॉल्यूशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वाइट हेयर्स इन चिल्ड्रंस। अगर बच्चों के बाल सफ़ेद हो चुके हैं और इसके इलाज के लिए हमें सबसे पहले जो देखना चाहिए वो है डाइट। आप अपने बच्चों को हेल्दी और बैलेंस डाइट दीजिए। अगर बच्चों के पास जेनेटिकली भी सफ़ेद हो गए होंगे तो भी खाने में ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स दीजिए। अगर घर में कोई स्मोकिंग करता है तो उसको बच्चों के सामने स्मोकिंग करने से मना कीजिए। बच्चों के डाइट में क्या क्या होना चाहिए? विटामिन ए। विटामिन ए बालों को चमकदार और शाइनी बनाता है और आइज के लिए भी अच्छा होता है। दूसरा है B12, विटामिन बी। विटामिन बी बालों को स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट बनाता है। विटामिन बी ज़्यादा करके वेजिटेबल्स, फूल गोभी, टमाटर और केलों में पाया जाता है। मिनरल जो होते हैं वो बच्चों के ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए अच्छे होते हैं। मिनरल्स में कैल्शियम, जिंक, आयरन्स ये इम्पोर्टेंट है। मिनरल्स जो है वो ज़्यादा करके एग, नॉन वेज और दलिया से मिलते हैं। चौथे नंबर पे है प्रोटीन। प्रोटीन बालों को चमकदार और सॉफ्ट बनाता है। प्रोटीन ज़्यादा करके एग, सोयाबीन और रेड मीट में मिलता है। बच्चों में कम उम्र में सफ़ेद होने वाले बालों को रोकने के लिए और उन्हें फिर से
काले बनाने के लिए देखते हैं कुछ होम रेमेडीज। पहली होम रेमेडी है घी, काउस घी। गाय के दूध से जो हम घी बनाते हैं वो उसमें ज्यादा हेल्दी एंजाइम पाए जाते हैं, और अगर हम इस घी से बच्चों के बालों की मसाज करें ब्लड फ्लो बढ़ता है और बाल स्ट्रांग और सॉफ्ट होते हैं। ऐसा हफ्ते में 2 से 3 बार करना चाहिए और नहाने के 1 घंटा पहले ये मसाज करनी चाहिए। दूसरी होम रेमेडी है आंवला नारियल तेल। नारियल तेल में हमें आंवला कट करके उबालना है, और आंवला नहीं मिला तो उसकी पाउडर भी चलेंगी। आंवला नारियल तेल में उबालने के बाद तेल को ठंडा करके बच्चों के सिर में उस तेल से मालिश करनी है, जिससे बालों को न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तीसरी होम रेमेडी है दही। बच्चों को दही खिलाना चाहिए, दही में बहुत न्यूट्रिशन होते हैं। दही का इस्तेमाल हम बालों में लगाकर बाल धोने को भी करते हैं। ये हो गए कुछ होम रेमेडीज। अगर छोटे बच्चों के सिर में सफ़ेद बाल हो गए होंगे तो उसे खींच कर मत निकालो। छोटे बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। बच्चों को बाल धोने के लिए ज़्यादा गर्म पानी मत इस्तेमाल करो। बच्चों के बॉडी में आयोडीन की मात्रा भी बराबर रखो। इन सभी से आप अपने बच्चों के सफ़ेद बाल होने से रोक सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।